नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने किराए में बढ़ोतरी और किराएदार की बेदखली के लिए एडवांस डिक्री के प्रोविजंस को समझा था। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन ग्राउंड्स की जिन पर किसी प्रीमिसेस को प्रॉपर्टी का ओनर किराएदार से खाली करवाने के लिए दावा कर सकता है। किराएदारों की बेदखली के लिए जो ग्राउंड्स किराया कानून में दिए गए हैं वो लगभग सभी राज्यों में मिलते जुलते से हैं, इसलिए आप भारत में किसी भी स्थान से हो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में दिए गए आधारों के विषय में। राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की सेक्शन 9 में किराएदार से प्रीमिसेस को खाली करवाने के लिए कुल 13 आधार बताए गए हैं। तो आइए हम बारी बारी इन आधारों को समझते हैं। बेदखली के लिए जो पहला ग्राउंड दिया गया है वो है रेंट के पेमेंट में डिफॉल्ट का। यदि कोई किराएदार लगातार 4 महीने के किराए का पेमेंट नहीं करता तो प्रॉपर्टी ओनर किराएदार को 30 दिन का एक नोटिस भेज सकता है। नोटिस मिलने के बाद 30 दिन में भी किराएदार प्रॉपर्टी ओनर के बैंक अकाउंट में रुपए जमा नहीं करवाता तो उसकी बेदखली के लिए कोर्ट में दावा किया जा सकता है। किराएदार की बेदखली के लिए दूसरा ग्राउंड उस स्थिति में मिल जाता है जबकि किराएदार ने प्रीमिसेस को जानबूझकर और सारवान नुकसान पहुंचाया हो। ऐसी स्थिति में भी प्रॉपर्टी ओनर किराएदार की बेदखली के लिए कोर्ट में दावा कर सकता है। यदि कोई किराएदार प्रॉपर्टी ओनर की लिखित परमिशन के बिना किराए पर लिए हुए मकान या दुकान में ऐसा परिवर्तन कर लेता है जिससे मकान या दुकान का मूल स्वरूप काफी हद तक चेंज हो जाए, या कोई ऐसा परिवर्तन करता है जिससे मकान या दुकान का मूल्य कम होने के चांसेस हैं, तो भी प्रॉपर्टी का ओनर किराएदार की बेदखली के लिए दावा पेश कर सकेगा। लेकिन यहां ध्यान देने लायक बात यह है कि छोटे मोटे सुधार वगैरह इसमें नहीं आएंगे। इसके बाद ग्राउंड आता है न्यूसेंस, मतलब कि यदि किराएदार ने अपने किराए के परिसर में ऐसा कोई न्यूसेंस पैदा किया है जिसके कारण परिसर के मालिक के हितों पर विपरीत असर पड़े या पड़ने की संभावना हो तो भी किराएदार की बेदखली के लिए दावा पेश किया जा सकता है। यदि किराएदार प्रीमिसेस के मालिक की लिखित परमिशन के बिना अपने किरायेरत मकान या दुकान का पोजीशन किसी और व्यक्ति को सौंप दे या किसी को उप किराए पर दे दे तो भी मालिक को बेदखली के लिए आधार मिल जाता है। इसके बाद छठे आधार के रूप में वो स्थिति आती है जबकि किराएदार ने प्रॉपर्टी ओनर को ओनर मानने से मना कर दिया हो, या फिर वो खुद को मकान या दुकान का किराएदार नहीं मानकर मालिक मानने लग जाए। ऐसी स्थिति में भी प्रीमिसेस का मालिक किराएदार से परिसर खाली करवाने का हकदार हो जाएगा। यदि किसी घर को रेजिडेंशियल यूज के लिए किराए पर दिया गया है लेकिन किराएदार उसमें दुकान कर ले या कोई और कॉमर्शियल एक्टिविटी करना शुरू कर दे तो भी किराएदार की बेदखली कोर्ट से करवाई जा सकती है। आठवां ग्राउंड ये है कि यदि किसी प्रॉपर्टी ओनर ने अपने नौकर या एम्प्लॉय को कोई घर इसलिए किराए पर दे दिया था क्योंकि वह व्यक्ति प्रॉपर्टी ओनर की सर्विस में था और ऐसा कर्मचारी या किराएदार अपनी नौकरी छोड़ देता है तो भी मकान मालिक उस किराएदार या कर्मचारी से मकान खाली करवा सकता है। जनरली होता है ना कि कोई अपने सर्वेंट या ड्राइवर वगैरह के रहने के लिए भी जगह देते हैं। इसके बाद नौवां आधार है बोनाफाइड नीड, मतलब कि यदि किराए पर दी हुई प्रीमिसेस की प्रॉपर्टी ओनर को खुद के लिए या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए जरूरत हो तो भी किराएदार की बेदखली की जा सकती है, लेकिन ऐसी जरूरत युक्तियुक्त और सद्भावी यानी बोनाफाइड और रीजनेबल होनी चाहिए। किराएदार की बेदखली के लिए यह सबसे बड़ा ग्राउंड है क्योंकि यदि किसी प्रॉपर्टी ओनर को अपनी प्रॉपर्टी की जरूरत खुद के लिए है तो उसके यूज का अधिकार भी सबसे पहले उसी को होगा। लेकिन इस ग्राउंड के लिए यह भी ध्यान रखने लायक है कि अगर इस ग्राउंड पर किसी प्रीमिसेस को खाली करवाया गया है तो खाली करवाने के 3 साल तक उसे वापस किराए पर नहीं दिया जा सकेगा। इसके बाद 10वां ग्राउंड ये है कि यदि किराएदार ने अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त उपयुक्त परिसर बना लिया है, खरीद लिया है या उसे किसी ऐसे परिसर का पोजीशन मिल गया है जो उसकी जरूरत के लिए पर्याप्त है और उपयुक्त है तो भी किराएदार की बेदखली के लिए दावा फाइल किया जा सकेगा।
किराए वाली प्रॉपर्टी को बंद करके रखना भी इविक्शन का ग्राउंड बनता है, क्योंकि यदि कोई किराएदार अपने किरायारत मकान या दुकान को पिछले 6 महीने से लगातार बिना किसी उचित कारण के बंद करके छोड़ दे, तो ये माना जाता है कि किराएदार को उस परिसर की जरूरत नहीं है और इस आधार पर भी किराएदार की बेदखली के लिए दावा फाइल किया जा सकता है। फिर यदि कोई पब्लिक ऑफिसर प्रॉपर्टी ओनर से ये अपेक्षा करे कि वो अपनी प्रॉपर्टी से भीड़ को कम करे, मतलब ये परिस्थिति तब आती है जब किसी प्रीमिसेस में काफी ज्यादा किराएदार रहने लग गए हैं और भीड़ का माहौल हो गया है, और उस एरिया के किसी सक्षम पब्लिक ऑफिसर को यह लगता है कि वहां इतनी भीड़ होना सुरक्षित नहीं है, तो भी किराएदार की बेदखली करवाई जा सकती है। लास्ट ग्राउंड ये है कि अगर कोई प्रीमिसेस इतनी पुरानी हो गई है कि कभी भी गिर सकती है और लोगों के रहने के लिए सेफ नहीं है, तो ऐसी प्रीमिसेस से किराएदार की बेदखली कराई जा सकती है। साथ ही यदि गवर्नमेंट को या किसी स्थानीय निकाय को किसी सुधार स्कीम या प्रोजेक्ट के लिए उस परिसर की जरूरत हो, तो भी किराएदार की बेदखली की जा सकती है। तो दोस्तों, ये वो ग्राउंड्स हैं जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में किसी किराएदार की बेदखली के लिए दिए हुए हैं, और लगभग ये ग्राउंड्स हर स्टेट के रेंट कंट्रोल एक्ट में मिल जाते हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। दोस्तों, आपके और भी कोई सवाल हैं या आप अपने किसी मैटर पर लीगल एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर कॉन्टेक्ट करके कॉल बुक भी करवा सकते हैं। ऐसी ही यूजफुल जानकारियां रेगुलर प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।